पूरा देश राममय हो रहा है और हम आपको लिए चलते हैं एक उजाड़ जंगल में। राजस्थान के प्रतापगढ़ में इस सेंचुरी का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। रास्ता दुर्गम है, हमें जाना है सीता माता के मंदिर, इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद भी ली। लीजिए हम आ पहुंचे हैं सीता माता मंदिर। माना जाता है कि ये अकेला ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ सीता माता की मूर्ति है, जिसे देखने दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। मैं पहली बार सीता माता सेंचुरी में मंदिर आया हूं। बिहार से आया हूं वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि ये वही जंगल है जहां माँ सीता का परित्याग का समय बीता। लक्ष्मण जी यही सीता मैया को छोड़ कर गए थे। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र ने सीता माता का परित्याग किया था, उसके बाद जब लक्ष्मण जी सीता जी को यहाँ वन में छोड़ने आए थे, उस दौरान रास्ते में सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने इन दो बावड़ियों का निर्माण कराया था। यहाँ लगने वाले मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालु इन दोनों बावड़ियों से पानी अपने साथ में लेके जाते हैं प्रसाद के रूप में। ये 12 बीघा का बरगद है, कहते हैं कि लवकुश इसी के नीचे खेलते थे। उनके यात्रा स्नान करने गए सीता जी तो वापस आया कि भाई आप बच्चों को ध्यान रखना, वाल्मीकि जो बोल के गए थे तो बच्चा कहीं घूमते घूमते बाहर निकल गया, तो एक उन्होंने कुश का बच्चा घास का बना के फिर उन्होंने सिद्धि से उस बच्चे में जन्म दे दिया। तो सीता जी वापस आए तो वो बच्चा खेलता खेलता सीता जी के पास चला गया था लव, तो वो साथ में लेकर कि भाई बच्चा तो अब यहाँ है, तो देखिए ये बच्चा किसका है, तो ये बच्चा आपका ही है। तो फिर उन्होंने माना कि समझ गए कि भाई देवी शक्ति से कुश पैदा हुए। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े भी लवकुश ने इसी जंगल में रोके। लवकुश ने यही शिक्षा ग्रहण की थी और जो लवकुश ने आम के पेड़ पर हनुमान जी को भी यहाँ पर बांधा था, उसी के नाम से यहाँ पर हनुमान जी का एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। और ये वही स्थान है जहाँ सीता माता धरती में समाई। माँ सीता के दर्शन करने यहाँ आने वाले लोग यही प्रार्थना करते हैं कि राम लला को उनकी जन्म का स्थान मिल गया, अब इस सेंचुरी के भी दिन फिरें, माँ सीता का भी भव्य मंदिर बने और आसानी से लोग यहाँ तक पहुँच सकें। यहाँ सीता माता की ही पूजा होती है, हर साल लगने वाले मेले में यहाँ हजारों श्रद्धालु सीता माता की पूजा के लिए आते हैं। प्रिय शरण शर्मा, दैनिक भास्कर।